सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यह तुष्टीकरण हो रहा है। मराठी को फंसाना, मुस्लिम भाई बहनों को बहकाना, ये दोनों बात उद्धव जी सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, ये आपके सामने बताना आवश्यक है और उस बात को लेकर हम आए। आप में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई मराठी मुस्लिम कहा तो क्या गलत था इसमें, अलगाववाद, तुष्टीकरण, अपीजमेंट है, यह गलत बात है। 2.5 साल मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, हमारे किसी भी मुस्लिम भाई बहन ने यह मांग नहीं की थी। कोविड का समय था, कोविड के समय के भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे अतुल जी ने बताए, हम तो अपनी जान बचाने के लिए लगे थे, हमको कोविड न हो, हुआ तो दवाई मिले, हमको हॉस्पिटल में बेड मिले, बेड के बाद अगर हम अच्छे हुए तो क्वारंटाइन में जगह मिले, अपनी तकलीफ तो जान बचाने की थी भाई साहब। उद्धव जी की चिंता थी, मुख्यमंत्री इस नाते आपकी मेरी जान बचाना इतने तक नहीं थी, ना किसी ने मांग की थी, ना किसी का विषय था। जब आप और मैं अपने जीवन और जीवन की चिंता कर रहे थे, तब उद्धव जी की शिवसेना यहां पर याकूब मेमन की कब्र सजाने का काम कर रही थी। कब्र सजाने, कौन याकूब मेमन? जो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी, 12 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद सैकड़ों लोगों की जान ली, निचले कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म की, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, उसको फांसी दी, उस आरोपी की कब्र को सजाने के लिए पैसा और समय उद्धव जी आपके पास था, क्यों? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए? आप में से कोई पूछ सकता है, ये तो पुरानी बात है, उस पार्टी का अगला कार्यक्रम ये मराठी और मुस्लिम भाइयों को बहकाने के लिए किया, इसका पुरावा क्या है? अतुल जी, उद्धव जी के पास आजकल नई चांडाल चौकटी है, उसमें से एक को आज मैंने शुभकामनाएं दी, यूट्यूब चैनल खोल रहा है निखिल वागले और उसके सहकारी। एक हफ्ता नहीं हुआ 22 अक्टूबर को यह न्यूज आने के बाद, 7 दिन में निखिल वागले और उनके लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, उद्धव ठाकरे जी को मुंबई महापालिका को जीतना है तो आसान तरीका निकल आया। मुंबई में 227 वार्ड और 227 वार्ड में हर वार्ड में मराठी वोटर कितने, मुस्लिम वोटर कितने, मराठी प्लस मुस्लिम, उद्धव ठाकरे की जीत, 150 वार्ड में जीत। आप हिंदुओं में भी बंटवारा करना चाह रहे हो, मुसलमानों को भी बहका रहे हो, मराठी को भी फंसा रहे हो। औरंगजेब का यह सपना रहा है कि आजच्या या महाराष्ट्रातल्या मातीतल्या मराठी माणसावर म्लेच्छांनी राज्य करावं, औरंगजेबाने राज्य करावं, हे औरंगजेबाचं स्वप्न होतं। औरंगजेबाचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही, कारण तुमचा माझा बाप छत्रपती शिवाजी महाराज आजही आपल्या मध्ये प्रेरणेतना जिवंत आहे। औरंगजेबाचं राहिलेलं स्वप्न मराठी माणसांवर इतरांनी राज्य करावं हे उद्धव ठाकरे आता पूर्ण करायला निघाले। 1999 ते 2014 मुंबई शहरामध्ये एक मेट्रो बनली, अंधे वर्सोवा ते घाटकोपर एक मेट्रो, त्या 5 वर्षांमध्ये देवेंद्रजींनी 256 किलोमीटरच्या मेट्रोचं काम सुरू केलं, आणि यांचं सरकार आल्यानंतर ते काम कसं बंद पडलं होतं, आणि गेल्या 4 महिन्यामध्ये आता तुम्ही बघताय की कसे धडाधड सगळे पिलर उभे राहत आहेत, त्या पिलरवरती सगळं आता ते वरचा स्लॅब पण येतोय। अंधेरी ईस्ट ते दहिसर ईस्ट ची मेट्रो पूर्णपणे पुढच्या 3 महिन्यात धावायला लागेल। आणि मी तुम्हाला सांगतो की 2026 मध्ये 2026 पर्यंत मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन ची 256 किलोमीटर ची मेट्रो असेल, कोस्टल रोड असेल, वर्ली ट्रान्सहार्बर लिंक असेल, नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असेल, या सगळ्या गोष्टी या सुरू झालेल्या असतील। जिस तरह से जागर मुंबई सभा के दौरान ये कहा गया है कि समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, तो ये तो विपक्ष भी आरोप भाजपा पे लगाती है कि भाजपा ही धर्म की राजनीति कर रही है। नहीं, विपक्ष भाजपा पे आरोप लगाती है, लेकिन अभी उसमें कोई सच नहीं है, लोगों को मालूम है।
लेकिन जो शिवसेना खुद को हिंदुत्ववादी कहती थी और आज भी कहते हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहकर अपना रवैया साफ जाहिर किया है। और इसके लिए हमारी चुनौती है कि रास्ते के ऊपर वोट मांगो, गड्ढे मुक्त रास्ते हमने दिए, हमने पानी पर्याप्त दिया, हमने मुंबई के कचरे की समस्या हल की, और इसके लिए वो कोई उनको बताने के लिए बात नहीं है, इसके लिए इस प्रकार की घिनौनी बात वो कर रहे हैं। अतुल जी, वास्ता अतुल जी, 25 साल बीजेपी और शिवसेना आप भी साथ में थे, तो ये भ्रष्टाचार कह रहे क्या उस नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत माइनॉरिटी में उसमें थी। पहली बात तो कभी भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बना 30 साल में, सत्ता में थी, मेयर नहीं बना, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बना। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो एक छोटे दल के रूप में थी, और इसके लिए यदि उनको ऐसा लगता है और वो ये कहते हैं तो वो उसका हिसाब करें। तो कैग का ऑडिट हमने बोला है तो उसको विरोध क्यों कर रहे हैं? वो उसको उन्होंने समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने समर्थन इसके लिए नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हाथ काले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साफ है। जो इतना बड़ी लोगों की क्राउड देख पा रहे, क्या लगता है जनता भी इस बीएमसी के भ्रष्टाचार? देखो, मैं हर विधानसभा में जाकर भाषण कर रहा हूँ, जगह जगह पर जनता उमड़ कर ये सब सुनने के लिए आ रही है। साफ दिखता है कि मुंबई कर जनता के मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद हमको गड्ढा मुक्त रास्ते नहीं मिलते। मेट्रो का काम जो चालू किया था वो उद्धव ठाकरे जी ने अहंकार के लिए, पुत्र प्रेम के कारण रुकवाया। 10,000 करोड़ का ज़्यादा खर्चा मुंबई कर जनता को अभी भुगतना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे लगता है कि मुंबई कर जनता को अभी इस बार बदलाव चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी और बाळासाहेबांची शिवसेना ये दोनों दलों के आघाड़ी को भारी बहुमत से जिताएगी।